वैभव शुक्ला हैं कोलकाता से और प्रदीप उनियाल मुंबई से। प्रणाम आचार्य जी, सुषुप्ति अवस्था के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमने बस सुखपूर्वक निद्रा का अनुभव किया। गुरु गोविंद सिंह जी को भी सोते हुए खंजर मारा गया था, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी नींद में भी जागता है, और गुरु कबीर जी भी कहते हैं कि दास कभी न सोवे। तो ऊपर की दो बातों और नीचे की दो बातों में विरोधाभास लगता है, कृपया स्पष्ट करें। धन्यवाद आचार्य। कहने के तरीके हैं, कैसे कहा जा रहा है समझो। जब कबीर साहब कहते हैं दास कभी ना सोवे, तो उस वक्त वो ये नहीं कह रहे हैं कि दास सदा जागता रहता है। वो ये कह रहे हैं कि जो दास हो गया वो सोने जगने की प्राकृतिक घटनाओं से रिश्ता तोड़ लेता है, वो फिर इन चीजों में हस्तक्षेप करता ही नहीं कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है। जिसको सोना है वो सोएगा, जिसको जगना है वो जगेगा। दास न सोया हुआ है न जगा हुआ है, लेकिन चूंकि पढ़ तुम इतना ही रहे हो, उद्धृत तुम एक बहुत छोटी संक्षिप्त बात कर रहे हो, तो तुमको ऐसा लग रहा है जैसे कि कहा जा रहा है कि दास कभी सोता नहीं और सदैव जगता ही रहता है। ना, सोने का काम भी शरीर का और जगने का काम भी शरीर का। दास कहता है प्रकृति अपना खेल खेलती रहे, हम अलग हैं। तो शरीर जग रहा है सो रहा है, दास क्या कर रहा है, जग रहा है कि सो रहा है? न वो जग रहा है न वो सो रहा है। ये मत समझना कि तुरीय अवस्था का अर्थ होता है सतत जागरण। अगर कहीं ऐसा कह भी दिया गया है या कहीं तुम ऐसा पढ़ भी लो कि तुरीय का मतलब है शाश्वत जागरण, तो वो बात सांकेतिक है। जागरण दो तरह के होते हैं, समझना। तुम भ्रमित हो, क्यों भ्रमित हो अभी समझ में आ जाएगा। एक जागरण होता है जागृत अवस्था का जागरण। चेतना की तीन अवस्थाओं में से सिर्फ एक अवस्था है जागृति। जब तुम उस अवस्था में होते हो तो तुम्हारी ये भौतिक आंखें खुली होती हैं, इसको तुम कह देते हो जागरण। ये जागरण का सामान्य और प्रचलित अर्थ है। आध्यात्मिक तौर पर जब जागरण की बात की जाए, जब गुरु कबीर या संतजन तुम्हें चेताएं कि जाग बावरे, क्यों सोया पड़ा है, उठ जाग मुसाफिर, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये मांस वाली आंखें खोलो, ये शरीर की आंखें खोलो। तब किसी दूसरे जागरण की बात की जा रही है, पलक झपकाने की बात नहीं की जा रही। तो आध्यात्मिक जागरण है जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के पार चले जाना। लौकिक जागरण क्या है? स्वप्न से जागरण की स्थिति में आ जाना, यह लौकिक जागरण है कि खन्ना साहब सपने देख रहे थे, किसी ने झंझोड़ के जगा दिया तो अब कह रहे हैं हमारा जागरण हो गया। ये जागरण का लौकिक सामान्य प्रचलित अर्थ है। जब गुरु बोले जग जाओ तो अलार्म मत लगाने लग जाना,
वो इन आंखों को खोलने की बात नहीं कर रहा, वो इस आंख को खोलने की बात कर रहा है। अब यहां कोई आंख होती नहीं है, खुरचने मत लग जाना। गुरु कह रहा है जग जाओ, तो मतलब है कि स्वप्न से जागृत में नहीं आना है, बल्कि स्वप्न जागृत सुषुप्त तीनों के आगे निकल जाना है, वो जागरण है। तो कबीर साहब जब कह रहे हैं कि दास कभी ना सोवे, तो वो कह रहे हैं कि ये सोने जगने के काम तो स्वप्न सुषुप्ति और जागृति के हैं। दास को प्रकृति से ज्यादा प्यारा कोई मिल गया है, दास अब उसकी खिदमत करता है, दास उसका चाकर हुआ, दास अब बंदगी करता है, दास अब उसके साथ है, जहां न सोया जाता है, न जगा जाता है, न आया जाता है, न जाया जाता है, न धूप है, न छांव है, न दिन है, न रात है, तो वहां वो सोएगा कैसे? वहां वो अब लगातार जगा हुआ है। लेकिन जगने की हमारी छवि यही है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखना। कई लोग तो आध्यात्मिक साधना में भी इस बात को शामिल करने की कोशिश करते हो, कहते हैं बहुत जगना बहुत जरूरी है, तो कम से कम सो, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। इसी तरीके से श्री कृष्ण जब कहते हैं कि योगी नींद में भी जागता है, तो उनका आशय यही है कि योगी चाहे नींद में रहे, चाहे जागृति में रहे, और चाहे सुषुप्ति में रहे, इन तीनों ही ऊपरी अवस्थाओं के पीछे उसकी आंतरिक अवस्था तुरीय है। वो नींद में भी तुरीय में है, वो जागृति में भी तुरीय में है, वो सुषुप्त में भी तुरीय में है। वो केवल नींद में ही नहीं जाग रहा, वो जब जगा है तब भी जगा हुआ है। हम जब जगे भी हैं तब भी सो रहे हैं, हम जब सो रहे हैं हम तब भी सो रहे हैं, और जब हम सुषुप्ति में हैं हम तब भी सो रहे हैं। तो जागृति के इन दोनों अर्थों को ठीक से समझो और भिन्न भिन्न समझो, नहीं तो फंसे रहोगे। तुम्हें यही लगेगा कि संतों को नींद से कुछ दुश्मनी है, और सब संत जन तुम्हें एक ही बात बोलते हैं कि उठ उठ उठ। वो किसी और उठने की बात कर रहे हैं, वो बिस्तर से उठने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऊर्ध्वगमन की बात कर रहे हैं।